हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ए जे मेडिसिन पर मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वाई नॉट नोट क्रीम वाई नॉट नोट क्रीम के मैं आपको यूज़ डोज बेनिफिट साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊँगा आप बने रहिए इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब वीडियो कर लो लाइक क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूँ तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस समय में काफ़ी लोग अपने लिंक के साइज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं बहुत लोग अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपनी वाइफ के पास जाने में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं या फिर किसी की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो उनके पास जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कारण होता है लिंग का छोटा होना जिसकी वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है कई लोगों का कॉन्फिडेंट लेवल इतना गिर जाता है कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट भरी नहीं पाते बिल्कुल भी तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है लिंक का साइज़ आप बढ़ा सकते हो लिंक का साइज बढ़ाने के लिए सिर्फ आपको एक क्रीम की ज़रूरत है और उस क्रीम का नाम है वाई नोट टोल्व क्रीम वाई नोट टोईल्व क्रीम एक नेचुरल इन्ग्रेडियंट से मिलकर बनी एक दवा है जिसका इस्तेमाल जैसा कि मैंने ऊपर बताया लिंग के साइज को बढ़ाने के लिए यानी कि पेन इसके साइज को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा मैं आगे आपको बताऊंगा इसे यूज़ करने का सही तरीका बहुत लोग गलती करते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखें अगर आप वाई नॉट ट्वेल्व क्रीम यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हो गए वाई नाट क्रीम यह सौ ग्राम की पैकिंग में आता है और इसका प्राइस होता है लगभग छह सौ उनचास रुपए यानी सिक्स हंड्रेड फोर्टी नाइन रुपीज ओनली कंपनी इसे बनाती है जी लेबोरेटरीज लिमिटेड और कॉम्पोजिशन यानी किन चीजों से ये मिलकर बना हुआ है इसमें होता है ग्लाइसरीन इसमें होता है अश्वगंधा इसमें होता है सोयाबीन ऑयल इसमें होता है सोडियम बाई इसमें होता है सेरिक एसिड इसमें होता है सिट्रिक एसिड इसमें होता है एलो और भी कई जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका यानी इस क्रीम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है दोस्तों इस क्रीम का इस्तेमाल आपको हल्के हाथ से क्रीम को अपने हाथ में लेने के बाद उसे अपने पेनिस पे लगाना है पूरे पेनिस पे लगाने के बाद उसे हल्के हाथ से मसाज करनी है कम से कम आपको पाँच मिनट तक मसाज करनी है और जब आप इसका मसाज करते हो तो इसे थोड़ा आगे की तरफ खींचना होता है तो उस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है और एक बात का ध्यान रखें जब आप इस क्रीम को अप्लाई करते हो तो आपको किसी भी तरीके का ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना है तो ये बात हमेशा ध्यान रखें और जब आप इस क्रीम को लगा लो तो उसके बाद अच्छे से अपने हाथ को वॉश कर लो और इसको हमेशा बच्चे की पहुंच से दूर रखें इसे कहीं ऐसी जगह रखें जहां बच्चे ना पहुंच पाए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ी देरी हो जाए लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा चलिए अब आप मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले बेनिफिट्स दोस्तों जिन लोगों का पेनिस का साइज बहुत कम है अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके पेनिस का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा आप सोचोगे कि कुछ ही दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपको थोड़ा समय लगेगा तो आप पेशेंस रखिए और इसका इस्तेमाल करते रहिए अगर आप इसका रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हो तो इसके साथ प्लेविन कैप्सूल यूज़ कर सकते हो आप प्लेविन कैप्सूल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो एंड स्क्रीन पर आ जाएगी आप देख सकते हो दोस्तों जब किसी का लिंग का साइज़ बहुत छोटा होता है तो उसकी पार्टनर उससे खुश नहीं होती है। चाहे उनकी वाइफ हो चाहे उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह हो तो वो खुश नहीं हो पाती हैं तो इसके लिए पुरुषों को काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी ये प्रॉब्लम इससे धीरे धीरे ठीक हो जाएगी चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले साइड इफेक्ट दोस्तों वैसे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा जब आप इस क्रीम को इस्तेमाल करते हो और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत महसूस हो तो आप समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा है और तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए कोई भी दवाई यूज करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा यूज़ ना करें आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी शॉर्ट वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों का समय बचा सकूँ और आसान भाषा में वीडियो लाता हूँ ताकि सब तक पहुँच सकूँ तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुड बाय